एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। तो अभी हो चुका है दोपहर के टाइम, 3 बज रहे हैं ना रिचा, 4 बज चुका है और रेडी में 1 बजे से हो रही थी और काफ़ी सारा रील्स भी बना हुआ है। मैंने मतलब काफ़ी सारा रील्स भी बनाया हुआ है और आज मौसम भी बहुत ठंडा है। पता है आपको रील्स बनाने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है? ये देखिए कहाँ बैठी हूँ टाइल्स पे बैठी हूँ नीचे। और जस्ट अभी मैं एक दूर से यहाँ पर शूट कर रही थी और यहाँ पर सब प्लांट्स भी देख रही थी कि सब सूख गए हैं। मतलब ना ये मुझे ना ठंडे के मौसम में सब सूख जाता है, तो बस यहाँ बैठ के रील्स बना लेती है। और सब लोग अभी सोए हुए, मैं जगी हुई हूँ और रिचा भी जगी हुई है। नहीं रिचा, हम दोनों लोग अभी फिलहाल में जगे। और मेरे बाल आज ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं, तो नज़र ना लगे मेरी नज़र ना लगे। सो गाइस, तो आप लोग मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब धूप भी खत्म हो चुका है। धूप तो आज निकला था अच्छा खासा, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है वैसे। और आपके यहाँ मौसम कैसा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और ऋषिका और बाबू सब लोग सोए हुए हैं पढ़ाई करके। सो गाइस, तो हम लोग खाना पीना लगभग हो चुका है और आज बहुत सारे कपड़े धुलाई भी हो रखे हैं। बाप रे, पूरा दिन का काम धंधा करने के बाद से फाइनली रील्स बनाते हैं हम लोग। इतना मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं आप लोग इतना प्यार क्यों नहीं देते, मुझे भी समझ में नहीं आता है। और क्या, चलते हैं घर में रील्स में। हाँ, बाबू को रील्स का कुछ जगह एक ना भोजपुरी रील्स खूब ट्रेंडिंग चल रहा था, हम सोच रहे हैं ना, हाँ बहुत मज़ेदार है रील्स, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ठीक है। मतलब इंस्टाग्राम ID हीरूप रानी के नाम से, तो जाके पहले फटाफट वहाँ फॉलो कीजिएगा। और एक धमकदार रील्स चल रहा था, सोच रहे हैं हम लोग क्यों नहीं सब बच्चों साथ में मिलके बनाए रील्स। सो गाइस, तो चलिए मैं चलती हूँ अब घर में, क्योंकि फिर साड़ी चेंज करूँगी, फिर एक साड़ी पहनूंगी, उसके बाद फिर शूट होगा। यहाँ मैं बैठ के क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, बैठी हुई है वैसे, ठीक है। चलिए गाइस, अब मेरा हाथ भी दुख गया कैमरा लिए लिए। देख सकते हो सब लोग यहाँ पे सोए हुए और मैं यहाँ पर रील्स बना रही थी। मैं जा रही हूँ फिर साड़ी चेंज करना है। सो गाइस, आप लोग बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में। और भूख भी लग गया है, तो इंसान को फिर चाय बना के चाय कुछ तो खाएंगे और फिर धीरे धीरे मॉर्निंग के साथ जग जाएंगे। उससे फाइनली वीडियो बनाने के बाद से मुझे बहुत तेज का भूख लग गया था, तो मैं जस्ट यहाँ पे चाय और बिस्किट लेके आ गई हूँ। तो चाय बिस्किट कौन ऐसे खाता है जैसे चाय में बिस्किट डुबो के और फिर चम्मच से? मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं बचपन में भी बहुत ज्यादा खाती थी चाय चिवड़ा, नहीं चाय चिवड़ा और लाई चिवड़ा, ये सब बहुत मुझे पसंद था। और ऋषि का यहाँ पे पता है क्या करी, क्या करी ऋषु? हे गाइस, तो यहाँ पे एक और आ गया बच्चा। ये क्या कर रहे हो? डांस कर रहे हो बाबू का तो डांस बहुत यूनिक होता है, बहुत अच्छे से करता है डांस। नहीं मेरा है, आपका इधर है। बाबू अपना स्टेप 1-2 दिखा दो मतलब अपने फ्रेंड्स लोग को। अच्छा वाला स्टेप, अच्छा वाला स्टेप, जो पुलिसमैन वाला। तो ये शर्मा गया, ये हाय हाय शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का तो चलिए गाइस, मैं पहले चाय पी ले, तो ये बदमाश आ गया चाय वो गिरा देगा। मैं दे रही हूँ, जब बैठो। तो चलिए गाइस, मैं चाय पीने के बाद से मिलती हूँ। हाँ, मैंने खाया है ना, अब चाय पीने के बाद से मिलते, चाय खाने के बाद नहीं। बंगाली में तो बोलते चाय खाबो पानी खाबो, नहीं बाबू, नहीं ऋषिका, पापा भी बोलते हैं ना पानी खाबो। तो गाइस, तो यहाँ पे रात का टाइम हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे क्या बना रहे हैं? चावल फ्राई हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज ना खाना बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या बैठे हुए हैं और मतलब वही खाना बना रहे हैं बैठना तो अभी बैठना बहुत थक गई है। आप लोग आँख को पता चल रहा है, आँख में रेप जल रेप जा रही है। मेकअप रिमूव करूँगी और मेकअप रिमूव करने के बाद से बालों में तेल लगाऊंगी। बाल में तेल लगाने के बाद अच्छे से सो जाऊंगी। देख रहे हो ये सब क्या करना पड़ता है, बाप रे बाप। क्लिप 10 क्लिप सर में लगाना पड़ता है, हेयर स्टाइल जाकर बनता है। तो गाइस, अब हो चुका है यहाँ पे नेक्स्ट डे यानी कि दोपहर का टाइम। और दोपहर का टाइम में लगभग घर का सब क्लीनिंग हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और ऋषिका और बाबू आज हाफ डे था तो वो भी लोग स्कूल से आ चुके हैं और झाड़ू पोछा लगभग हो चुका है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। हटो, ये भी रीचा है, देख सकते हो आप। पता है बहुत से लोग बोलते हैं आप काम वाम नहीं करती हो क्या, दिन भर बस वीडियो बनाती रहती। तो भाई कंटिन्यू हम लोग का घर का पूरा काम होता है, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। और हम लोग का यही तो काम होता है, जो हम करते हैं आप लोग को अपना दिखाना होता है कि यार हम तो घर में ये काम करते हैं। और बहुत लोग को ब्लॉग पसंद भी आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना ब्लॉग में नुस्खा निकालने के लिए तो कमेंट कर देते हैं, इसलिए तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं बड़ी हो गई पर भी खेलती क्या? ये बड़ी होगी तभी भी डॉल से खेलती है। और एक है यहाँ पे गाड़ी से खेल रहे हैं। जो गर्ल होगा वो कमेंट करेगा, जरूर जरूर कमेंट करेगा। मुझे जो बॉयज होगा वो लाइक करेगा। तो जो भाई गर्ल होगी वो कमेंट करेगा, जो बॉयज होगा वो लाइक करेगा। वाह क्या सोच के बोले दोनों भाई बहन। और यहाँ पे वही ऋषिका डॉल डॉल खेल रही है बैठ के, डॉल नहीं तो ड्रॉइंग। बस ऋषिका का दो ही फेवरेट नहीं, ऋषिका डॉल नहीं तो ड्रॉइंग। अखरोट खा के आपने इधर से डाल दिया, डस्टबिन नहीं डाला आपने उठा के? क्यों? डाल दूंगी बाद में, कब काम होता है, अभी तुरंत उठा के डस्टबिन डालो उसको। ये क्यों मतलब खाए तुम डस्टबिन में फेंक दो इसी टाइम में। और वहाँ पे बाहर ना बच्चे सब खेल रहे हैं। सो गाइस तो चलो फटाफट मैं भी नहा लेती हूँ, नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी ये ड्यूटी गए हुए हैं तो अभी तो आए नहीं है। और नहाने से पहले मैं फटाफट ना चलो फटाफट बोलो बोलो। मॉल को महल बोलता है, महल महल नहीं मॉल होता है। क्या होता है मॉल? पहले बोलो मॉल, नहीं पहले बोलो मॉल। अच्छा मॉल में चलोगे बाबू? मॉल यही है जहाँ प्लांट रहते हैं, अंदर देखो। यहाँ पर दिल्ली में आए थे ना तो बाबू से बात हुई थी, हम लोगों से भी बात हुई थी, सब लोगों से बातचीत हुई थी। तो किसी वजह से हमारे यहाँ नहीं आ पाए थे क्योंकि मनीषा जी का एग्जाम भी था। तो एग्ज़ाम भाई बचाना बहुत ज़रूरी होता है, भाई एग्ज़ाम देना। तो बाबू से बात हुई थी और आप लोग मैं आगे क्लिप डाल दूँगी तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बाबू बहुत खुश होता है जब आप मतलब सचिन भैया से और मनीष जी से बात करता है, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब वो लोग आते हैं। तो पता नहीं अलग सी बोल रही, अलग सा रिश्ता है जो आने के बाद बहुत खुशी मिलती है हमें भी। सो गाइस चलो कोई नहीं, आप लोग बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब लंच बनाने के बाद से। तो गाइस तो यहाँ पे चुका है अब लंच का टाइम, और लंच का टाइम में हमने यहाँ पे दाल और चावल और आज हमने फ्राई हुआ चोखा बनाया हुआ है। तो बहुत टाइम हो गया था फ्राई चोखा खाने का, तो बस आज बना है। और हमारे यहाँ ना संडे और मंगलवार के दिन चोखा नहीं बनता है, तो आज फाइनली बुधवार के दिन चोखा बना है। और ये चोखा देख सकते हो यहाँ पे मीशो से मैंने एक बेल्ट मंगाया हुआ है जो कि साड़ी का है, साड़ी बेल्ट है। बाप रे कैसा लग रहा है पिंक का नहीं होता है वो फील हो रहा है। ये तो लग रहा था आपने गोल्डन ऑर्डर किया था ना, गोल्डन ऑर्डर की थी चाह। अच्छा ये वाला नोचना पड़ता है ना, अच्छा ये गोल्डन का ही है ना, ये ऐसे हटाना होता है, ऐसे हटाना। बहुत सुंदर लग रहा है अब अच्छा लग रहा है ये गोल्डन का। कैसा लगा बताइएगा एवरीवन। सो गाइस तो अब यहाँ पे हो चुका है लगभग नाइट का टाइम, नाइट के लगभग 7 बज चुके हैं। और ऋषिका पता नहीं बार बार मुंह से क्यों आता है बाबू, हाँ इसलिए शायद। अब बाबू और ये गए हैं मार्केट, कुछ सामान लाना था इसके वजह से। और मैं बैठ के यहाँ पे एक दो बस रील्स बनाई। अब सोच रही चलो फटाफट खाना पीना बना लिया जाए, उसके बाद में और काम कर लूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर दूँ, क्योंकि मतलब ब्लॉग में कल शाम से बना रही हूँ और अभी तक मैंने एंड भी नहीं किया। तो सोचा क्यों नहीं चलो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म भी कर देती हूँ। तो सो चलिए गाइज, और ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, इसे कहने की जरूरत तो नहीं है। तो चलिए गाइज, और हाँ मेरे इंस्टाग्राम तो गाइज मम्मी के लिए मैंने ये रखवाला बनाया छोटा, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। मम्मी के लिए माला लॉकेट बनवाई है, वाह बहुत अच्छा है। सो गाइस तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। अरे बाय बोल दो साथ में, बाय बाय गाइस। तो आज बाबू नहीं है, आज मैं अच्छे से रहूंगी। आज बाबू ने ये ब्लॉग में हल्ला ने तो हर बात पे काटता है वो, हर बात काटता है वो। तो गाइस ये मैंने एक ड्रॉइंग बनाई, हाँ, और ये ऋषिका की ड्रॉइंग है, देखिए कैसी लगी बताइएगा जरा। बहुत प्यारा सा ड्रॉइंग है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रॉइंग, ऋषिका की सबसे बेस्ट ड्रॉइंग ये मुझे अच्छा लगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा ये ड्राइंग, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को सब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, और साथ में गुड नाइट। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ इंस्टाग्राम आईडी रूप रानी, तो फटाफट जाकर वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और मम्मी को बहुत सारा सपोर्ट